हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड के लिए मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 अभी बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.2 में बेसिकली पढ़ना क्या है वो मैंने ऊपर हेडिंग डाल के रखा है। ये है आपका हेडिंग, प्लेस फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का प्लेस और उसका फेस वैल्यू और उसका प्लेस वैल्यू, ये तीन चीज़ के बारे में पढ़ना है। मैंने तीनों का डिफिनीशन भी लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्लेस है, यहाँ प्लेस वैल्यू है और यहाँ फेस वैल्यू है। प्लेस क्या होता है मैं पढ़ के बताता हूँ। ईच डिजिट हैज़ ए फिक्स पोजिशन कॉल इट्स प्लेस। जितने भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं उस नंबर को जब लिखा जाता है तो एक नंबर का एक अस्थाई या एक फिक्स पोजिशन होता है। जिस पोजिशन पर वो स्टैंड होता है या खड़ा होता है या लिखा जाता है उसको उस डिजिट का प्लेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है प्लेस वैल्यू। ईच डिजिट हैज़ ए वैल्यू। किसी भी नंबर को जब हम लिखते हैं, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या इससे ज़्यादा हो, किसी भी नंबर को जब हम लिखते हैं तो प्रत्येक डिजिट यानी ईच एंड एवरी डिजिट हैज़ ए वैल्यू। सबका एक वैल्यू होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेस। और जितने भी वैल्यू किसी भी डिजिट के होते हैं वो सारे वैल्यू उसके प्लेस पर डिपेंड करते हैं कि वो किस जगह पे है, वो नंबर किस जगह पे है। वो नंबर 1s पे है, वो नंबर 10s पे है, वो नंबर 100 पे, किस जगह पे है। जिस जगह पे वो नंबर होता है उसके वैल्यू उसी के अनुसार होते हैं या उसी के अनुसार निकाले जाते हैं, ठीक है। अगला है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज गिवेन नंबर इज द वैल्यू ऑफ इट सेल्फ। फेस वैल्यू है क्या? कोई भी नंबर जब लिखा रहता है तो उसमें जो नंबर होते हैं उसी के वैल्यू को फेस वैल्यू कहा जाता है। मतलब इट सेल्फ, इट सेल्फ मतलब वो खुद अपने आप को एक फेस डिनोट करता है, एक फेस के जरिए बताता है कि वो क्या है। वो जितना नंबर होता है उसी का वैल्यू उतना ही हो जाता है, फेस वैल्यू उतना ही हो जाता है। ओके, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है। ये नंबर आप देख सकते हैं, 4263, 4263। इसको काउंट कर लिया मैंने, आपको काउंट करके बताया। काउंट करना बहुत आसान है, हम पहले इसके प्लेस को डिनोट कर देते हैं। ये आप पढ़े होंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड और ये है थाउजेंड पे। थ्री कहाँ पे है? वंस पे। ये मैंने वो लिखा है, वो फॉर वंस। सिक्स कहाँ पे है? टेंस पे, टी फॉर टेंस। और हंड्रेड, टू कहाँ पे है? हंड्रेड पे। तो हंड्रेड के लिए मैंने एच लिख के रखा है, 200 प्लेस पे हो गया और 1000 प्लेस पे हो गया 4। ये सारी चीज़ जो है आपके बुक में बहुत जगह लिखे होते हैं। ये ओ फॉर वंस डिनोट करता है, शॉर्ट में ओ लिखा है, शॉर्ट में टी फॉर टेंस लिखा है, 100 के लिए एच लिखा है, 1000 के लिए टी एच लिखा है, ठीक है। तो ये सब क्या डिनोट करते हैं? ये सब इसके प्लेस को डिनोट करते हैं। तो चलिए मैं आप पहले बात करता हूँ प्लेस ऑफ 4 का, ठीक है। तो प्लेस ऑफ 4, तो हम अगर आपसे पूछे, थोड़ा सा मैं उल्टा लिखता हूँ इसको, एक बार मैं चेंज कर देता हूँ। लोअर वैल्यू से चलेंगे हम लोग। चलिए ये मैंने लिख दिया। मैं आपसे पूछूं कि 3 किस प्लेस पे है, तो आप कहेंगे कि सर 3 वंस प्लेस पे है। इसका ये प्लेस हुआ, 3 कहाँ पे है? वंस पे। हिंदी में बोले तो इकाई, तो 3 कहाँ पे है? वंस पे। तो 3 का प्लेस क्या हुआ? वंस। उसी तरह 6 किस प्लेस पे है, तो 6 कहाँ पे है? टेंस। उसी तरह 2 किस प्लेस पे है, तो 2 100 पे है, तो 2 कहाँ पे है? और 4 कहाँ पे है, तो 4 है थाउजेंड्स पे, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है? प्लेस है। 3 वंस पे है, 6 टेंस पे है, 200 पे है, 4000 पे है। तो किसी का भी प्लेस अगर आपको पूछेगा कोई कि कोई नंबर किस जगह खड़ा है, तो जिस जगह जिस प्लेस पर वो होगा वो उसका प्लेस हो जाएगा। 3 कहाँ पे था? वंस पे था। 6 प्लेस ऑफ 6, प्लेस ऑफ 6, 6 कहाँ पे है? टेंस पे। इस तरह से मैंने प्लेस लिख दिया। अब है फेस वैल्यू ऑफ 4। 4 का फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू ऑफ 2, 2 का फेस वैल्यू कितना है? तो जो नंबर जो दिखता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। तो 4 का फेस वैल्यू 4 हो जाएगा, 2 का फेस वैल्यू 2 हो जाएगा, 6 का फेस वैल्यू 6 हो जाएगा, 3 का फेस वैल्यू 3 हो जाएगा। मतलब फेस वैल्यू में क्या है? जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू हो जाता है। प्लेस में कहाँ है? तो प्लेस जिस जगह वो स्टैंड करता है, जो नंबर जिस पोजीशन में लिखा होता है वो पोजीशन उसका प्लेस हो जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू। तो मैं एक प्लेस वैल्यू लिख के बताता हूँ। प्लेस वैल्यू ऑफ, इसका प्लेस वैल्यू ले ले 3 का, 3। तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? तो 3 कहाँ पे है? तो 3 है वंस पे। तो जिस जगह पे रहेगा उसके
वैल्यू से हम मतलब उसके फेस को, उस नंबर को उसी के प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री को, थ्री का मैंने क्या पूछा, प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री, थ्री का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो थ्री का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो थ्री को ही जो नंबर का निकालना होगा उसी नंबर को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका थ्री का प्लेस क्या है, वंस है, वंस मतलब वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये हो गया थ्री का प्लेस वैल्यू। उसी तरह मैं आपसे पूछूं, प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स, सिक्स तो सिक्स का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो सिक्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका प्लेस वैल्यू पूछेगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिक्स का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ से, तो उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सिक्स कहाँ पे है, प्लेस उसका क्या है, टेंस, मैंने यहाँ लिखा है प्लेस ऑफ सिक्स क्या है, टेंस। तो सिक्स को हम टेंस से मल्टीप्लाई करें, TENS से नहीं बल्कि टेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको वैल्यू निकालना है इसलिए हम टेंस से नहीं टेन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिक्स टेन जा, आपको टेबल आता ही होगा, सिक्स टेन जा सिक्सटी, रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा होगा तो आप मल्टीप्लाई करिए, रफ करिए आराम से, ये सिक्सटी हो गया किसका, सिक्स का प्लेस वैल्यू। उसके बाद प्लेस वैल्यू अब हम आते हैं टू पे, प्लेस वैल्यू ऑफ टू, ठीक है, तो टू का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो किसका मैंने पूछा, टू का, तो टू का पूछा तो टू को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके प्लेस से, तो टू का प्लेस क्या है, एच फोर हंड्रेड, मैंने यहाँ लिखा है प्लेस ऑफ टू हंड्रेड, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, हमको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, टू हंड्रेड होगा, डायरेक्टली आप करके लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं यहाँ रफ करके दिखा देता हूँ, हंड्रेड मल्टीप्लाई टू, टू जीरो सा जीरो, टू जीरो आर जीरो, टू वन जा टू, कितना आया, टू हंड्रेड आया, तो इसलिए टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, टू हंड्रेड। और लास्ट है हमारा एक फोर, फोर का प्लेस वैल्यू, देखिए यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ फोर, तो फोर का प्लेस वैल्यू निकालना है, फोर कहाँ पे है, फोर का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो फोर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके प्लेस से, फोर कहाँ पे है, थाउजेंड पे, तो यहाँ मैं थाउजेंड छोटा सा लिख रहा हूँ, ये थाउजेंड लिखा हुआ है, ठीक है, थाउजेंड से मल्टीप्लाई, फोर को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, फोर थाउजेंड, यही इसका क्या होगा, प्लेस वैल्यू हो गया। मैंने तीनों चीज़ निकाला, पहला मैं सब डिजिट का प्लेस लिखा, कौन कहाँ पे था, प्लेस मतलब स्थान किस जगह पे है, तो वंस पे है, थ्री वंस पे है, सिक्स टेंस पे है, टू हंड्रेड पे है, और फोर थाउजेंड पे है, सबका प्लेस लिखा। फेस तो सेम टू सेम जो है वही फेस हो गया, फोर का फेस फोर, टू का फेस टू, सिक्स का फेस सिक्स, थ्री का फेस थ्री, ठीक है, ये हो गया। और अगला मैंने आपको लिखाया प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बहुत आसान है निकालना, जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछेगा उस डिजिट को उसी के प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री का मैंने पूछा तो थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर दिए, थ्री हो गया। सिक्स का पूछा, सिक्स टेंस पर था तो सिक्स को टेन से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया वैल्यू। टू का पूछा, टू हंड्रेड पर था, टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिए, टू हंड्रेड। फोर का पूछा, फोर थाउजेंड पे है तो फोर को थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया वैल्यू। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू भी निकल गया। ये तीन चीज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है, आगे मैं एक और एक दो और क्वेश्चन बताता हूँ, आप इसको नोट करेंगे। ओके, तो यहाँ मैंने तीन क्वेश्चन आपको लिख के रखे हैं, क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर शॉर्ट में आपको आंसर लिखना है, मतलब कि उस तरह से मल्टीप्लाई करके या प्लेस वैल्यू या स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, शॉर्ट में आंसर लिखना है, आप अलग रफ करेंगे यहाँ भरेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू और क्या लिखना है आपको, फेस वैल्यू दोनों लिखना है। तो ये है आपका प्लेस वैल्यू, ठीक है, और ये है आपका फेस वैल्यू, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, यहाँ भी यहाँ हो जाएगा प्लेस वैल्यू, यहाँ हो जाएगा फेस वैल्यू, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू और ये हो गया फेस वैल्यू, ये तीनों तीन चीज़ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बी फोर प्लेस, बी फोर वैल्यू, प्लेस वैल्यू सबका भरना है और फेस वैल्यू भी भरना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालने के लिए मैंने बता दिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, जो डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है उसको उसी के प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लेस वैल्यू आप इधर से स्टार्ट करते हैं, फाइव का प्लेस वैल्यू कितना हो, तो फाइव कहाँ पे है, वंस पे, तो फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस मतलब वन से, तो फाइव वन जा फाइव, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा,
5 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 4 पे, 4 का पी वी मतलब प्लेस वैल्यू 4 का कितना होगा, तो 4 का निकालना है तो 4 को ही मल्टीप्लाई करना होगा, जिसका निकालना होगा उसको मल्टीप्लाई करें किससे, उसके प्लेस से। तो 4 का प्लेस वैल्यू लिखना है यहाँ पर कितना होगा, तो 4 कहाँ पे है, 10s पे, तो 10 को मल्टीप्लाई कर, तो 4 10 जा 40, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 40। उसके बाद अगला है हमारा 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किस प्लेस पर है, 100 पर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200, तो इसका प्लेस वैल्यू 200। और लास्ट मेरा बच गया 3 कहाँ पे है, 1000 को, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3000 आएगा। आप देख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई 3000 आया, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 3000। इस तरह हम अपना प्लेस वैल्यू लिख लिए। अब है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना होता है, तो मैंने बताया जिस नंबर के बारे में पूछेगा वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। तो 5 का फेस वैल्यू 5, 4 का फेस वैल्यू 4, 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू 3। इस तरह से ये मेरा कंप्लीट हो गया, बाकी 2 आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शाम को या नेक्स्ट टाइम आपको शेयर करूंगा, ठीक है, ये आपको करने हैं।